तो दोस्तों फाइनली आज यहाँ पर इंडिया में पोको ने उनके दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है उनकी एक्स सीरीज में। पहला स्मार्टफोन है पोको X6 5G, दूसरा स्मार्टफोन है पोको X6 Pro 5G। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में, स्मार्टफोन कैसे हैं, क्या डिटेल है और आपको इन स्मार्टफोन्स को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर इंडिया में सबसे पहला स्मार्टफोन पोको X6 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो डिजाइनिंग आप यहां पर अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग आपको पोको X6 5G स्मार्टफोन देखने को मिली है। और स्मार्टफोन को देखें तो हल्का हल्का ये जो स्मार्टफोन है Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन की याद दिलाता है बैक पैनल से। साथ ही साथ अगर बात कर ले यहां पर इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के और डिटेल के बारे में, तो फ्रंट के साइड में आपको यहां पर एक फ्लैटेस्ट डिस्प्ले डिजाइन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। वाकई जो डिस्प्ले वो काफी बड़ा है और यहां पर इसमें जो बेजल्स है वो काफी थिन दिए गए हैं। साथ ही हमें पीछे की साइड एक फ्लैटेस्ट डिजाइनिंग के साथ में जो बैक पैनल है वो देखने को मिलता है, जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी यहाँ पर काफी बॉक्सी से फील होते हैं। अगर बात करें स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में कि स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले इसमें आपको 6.67 इंचेस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल यहाँ पर दी गई है फ्रंट के साइड में विद सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन। और यहाँ पर आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाली एक डिस्प्ले देखने को मिली है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले पे वाकई इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 7S Zen 2 का 5G प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है, जिससे जो परफॉर्मेंस है वो स्मार्टफोन में काफी ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको पीछे की साइड दिया गया है। स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। 5100 mAh की बैटरी है, 67 वाट का चार्जर है। एंड्रॉइड 13 यानी MIUI 14 पे ये जो स्मार्टफोन है आउट ऑफ द बॉक्स हमें इंडिया में देखने को मिला है। तो ये पूरे कंफर्म स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको पोको के इस नए लॉन्चर स्मार्टफोन पोको X6 5G स्मार्टफोन देखने को मिले हैं। अब स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को देखें तो Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन के पूरे सिमिलर स्पेसिफिकेशन है। अब यहां पर अगर बात करें अगले वेरिएंट यानी पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर इसकी डिजाइनिंग देख सकते होंगे कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग आपको यहां पर देखने को मिली है। डिजाइनिंग पोको X6 से टोटली डिफरेंट है और यहां पर आपको वाकई अगर बात करें स्मार्टफोन के बैक पैनल से, तो बैक पैनल इसका काफी ज्यादा शाइनी सा दिया गया है। और दोस्तों इसमें जो येलो कलर वेरिएंट है उसमें आपको लेदर फिनिश के साथ में जो बैक पैनल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे काफी प्रीमियम स्मार्टफोन फील होता है। स्मार्टफोन में हमें 6.67 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिली है। यहाँ पर अगर बात कर लें प्रोसेसर के बारे में, तो MediaTek Dimensity सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है जो कि है MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा का 5G प्रोसेसर। स्मार्टफोन में 8GB 256GB स्टोरेज दी गई है, 12GB 256GB स्टोरेज है और साथ ही 12GB 512GB हमें यहां पर रैम वेरिएंट देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का OIS बेस्ड जो कैमरा है वो पीछे की साइड दिया गया है। साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का हमें और भी कैमरास देखने को मिलते हैं पीछे की साइड, यानी ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है और साथ ही वैगन लेदर का सपोर्ट हमें येलो कलर वेरिएंट में देखने को मिला जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉइड 14 पे हमें देखने को मिला है और कंपनी यहाँ पर 3+4 ईयर का OS अपडेट यहाँ पर क्लेम करती है। तो ये पूरी डिटेल है पोको X6 एंड पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। अब यहाँ पर बात कर लिया जाए कि स्मार्टफोन कैसे और आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो दोनों स्मार्टफोन पे कंपनी ने काफी अच्छा काम क्या किया है, रीब्रांड ही किया है रेडमी के स्मार्टफोन्स को। ये रेडमी के सीरीज का स्मार्टफोन है पोको X6 Pro और वो Redmi Note सीरीज का स्मार्टफोन है पोको X6 5G। आपको पता ही चल रहा होगा कौन कौन से स्मार्टफोन रीब्रांड किए गए हैं। हालांकि इसका फायदा ये है कि ये जो स्मार्टफोन है वो Redmi के जो स्मार्टफोन रीब्रांड इन्होंने किए हैं उन पर्टिकुलर स्मार्टफोन से ये स्मार्टफोन थोड़े सस्ते आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं इसकी प्राइजेस क्या है, तो प्राइजेस ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाइए चेक करिए और मुझे बताइए कि स्मार्टफोन्स में क्या प्राइजेस निकल कर के आई हैं और आप इस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन को खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे। हालांकि यहां पर कुछ कमियां मुझे भी इस स्मार्टफोन में लगी हैं, जैसे कि जो पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन है उसमें हमें 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है, तो कम से कम 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा करना चाहिए था।
वहां पर भी 64 मेगापिक्सल का ही रियर कैमरा दिया गया है, कम उसमें 108 या फिर उससे ऊपर का कैमरा स्पेसिफिकेशन लेकर के आना चाहिए था। तो ये कुछ माइनर सी कमियां हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन्स के बारे में, हमें अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आने वाली वीडियोज में हम इन स्मार्टफोन को रेडमी नोट 13 प्रो 5G एंड रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन के साथ में कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना।